नंगल के साथ गांव लगते गांव घोलणी में हुई खूनी वारदात में 10 साल की कैद काटकर आए एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का वातावरण है। नंगल के डीएसपी सतीश कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि घोलणी गांव के धनवंतरी हॉस्पिटल में करीब 10 लोगों के साथ पहुंचे प्लासी गांव के बिक्का के किरपानों के साथ मनिंदर सिंह बग्गी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि घोलणी गांव में एक अस्पताल में उपचाराधीन रजनी के पति मनिंदर सिंह बग्गी के पर कुछ लोगों ने हमला किया है। इसके बाद गंभीर हालत में मनजिंदर सिंह को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस को जानकारी मिली है कि मनजिंदर सिंह के कंधे पर गोली भी लगी है जिसकी जानकारी पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही पता चलेगी। उन्होंने बताया कि ये मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है। देखते ही देखते अस्पताल को खून से लथपथ कर दिया गया। किरपानों के साथ किए गए हमले के बाद अस्पताल में चारों तरफ खून ही खून बिखरा नजर आ रहा था। उन्होंने बताया कि मृतक मनजिंदर सिंह की पत्नी रजनी के बयानों पर प्लासी गांव के बिक्का के साथ वारदात में शामिल 6 लोगों सहित 3 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। नंगल से अमन भामरा की रिपोर्ट। मेरे नजदीक पेशेंट सिंह मैं पेशेंट चेक कर रहे थे मेडिसिन तकरीबन तैयार थे जेडी से समझानी सी किस तरीके ने इस वाले कर दिया उन्होंने। उसी दौरान अचानक कुछ अनपहचाने व्यक्ति जो मैं अपने अंदर डोर थ्रू देखे अंदर आए। अंदर आने के दौरान देखिया शायद अपने कोई रिलेटिव मिलना आए पर मेरी जी नज़र पे 2-3 व्यक्ति से जिन्होंने मेरी नज़र गई पर मैं पूरा नहीं देख सका किन्नी व्यक्ति से। मेरे बच्चे जो थे उन्होंने देखे कुछ लड़के बाहर से वो भी अंदर चले आए कौन है किस तरह अस सिर्फ जो सैगनल हिसाब न सैगन हुए शायद उसी टाइम आवाज़ लगी जिस तरह कुछ अंदरों कोई कटने की बढ़ने की आवाज़ आई होगी रोन की आवाज आई चीख चिहाड़ा पै गया बहुत ज्यादा पर निकल मैं बाहर निकलना लग्या सी ते पुछण लग्या सी क्या पर बच्चे ने जिहड़े मेरे सवेरे रात नूं जिन्नी ड्यूटी हुंदी है उन्होंने रुकिया रियासत रुकियो कुछ व्यक्ति आए थे उन्होंने कोल तलवारां ते हथियार सी जिन्होंने इस तरह का एक जिहड़ा इल्जाम दित्ता सी चीज नूं तुसीं बाहर ना जाइओ कहिंदे जी वी कट रहे बढ़ रहे नहीं सानूं पता क्या होया जो शायद 5-4 मिनट हो जाने बिल्कुल शांत हो गया। लेडीज रो रही थी उची उची असी देखिया उन्होंने जाते हुए साढ़ा जो टीवी डीवीआर से वो भी अपने नाल ले गए और सानू एक यह भी है तुसी नहीं देंगे तो साढ़े को भी कुछ हो सकता असं बिल्कुल पिछड़ के उन्होंने ले गए जो भी डीवीआर से उन्होंने लेडीज तो बंदे ने जिसे ना कटवट हुई थोड़े इतने पेशेंट से पेशेंट से हाँ जी पहले रेगुलर पेशेंट है साढ़े आते तकरीबन कितने दे सी प्लासी पिंड क्या नाम सी उनका पेशेंट का नाम नहीं मैंने पता उसके हस्बैंड का नाम सी पता बग्गी नाम सी बग्गी बग्गी कहते प्लासी उन्होंने प्रॉब्लम क्या सी प्रॉब्लम उन्होंने हेडेक सी हेडेक वोमिटिंग वगैरह उन्होंने आ रही सी इस कारण उन्होंने मैं ऐसे एडमिट किया उनकी पुलिस ने जानकारी दी थी ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਪੜਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਜੂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਹੀ ਭੈਣ ਖਾਸਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਓਕੇ ਇਹ ਧਨਵੰਤਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ ਰਜਨੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਕੇ ਦਾ ਭਰਾ ਇਹਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ
उस दे विच इहनू उम्र कैद होई सी, मनजिंदर नू उम्र कैद कट के ये घर आया सी। तो हुण कल फिर ये हमला करता, हमले दे विच घायल हो गया, घायल हो के इहनू पी जी आई ले गए, पी जी आई का पता लग्या वी इहदी डैथ हो गई। ये 9-10 मुंडे सी जिहड़े मारन वाले लोग सी, 9-10 सी। हमला जिहड़ा कृपाना नाल होया, पता लगता भी एक गोली मोढ़े च पता लगता, पर हले वह पोस्टमार्टम तो पता लगेगा भी लगी कि नहीं लगी है। ये रजनी के बयान से, उसकी वाइफ के बयान से मुकदमा दर्ज किया है। ये 6 बंदे जिहड़े बाई नेम है, 3 बंद अणपछाते हैं। ये 302 जो ये पुरानी आपसी देखो रंजित सी, बाकी तो तुम्हें पता लाइन डाटर ठीक है एरिए का, कोई इदी गल नहीं है भी ये पुरानी रंजित सी करके होगा। पुलिस की कार्रवाई CIA की टीम लगी हुई है, SHO आनंदपुर साहब के SSP साहब ने ड्यूटी ला रखी है, नाल SHO साढ़े वाले हैं, चौंकी इंचार्ज है, सारा दीमा बनाती टीमा बना के अडर थ्यूरी पर कम कर दियाँ, वो भेजिया गई टीम से।